झारखंड की राजधानी रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। रांची जिला मुख्यालय से 70 से 100 किलोमीटर के दायरे में कई झरने, जंगल और पहाड़ियां हैं। 1895 में ये क्षेत्र सामाजिक धार्मिक नेता बिरसा मुंडा द्वारा छेड़ी गई आजादी की लड़ाई का साक्षी रहा है। झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान सरीखा माना जाता है। फिलहाल इसी बरस से 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। इसी मिट्टी ने लांस नायक अल्बर्ट एक्का को भी जन्मा, जो 1971 के भारत पाक युद्ध में अदम्य बहादुरी का परिचय देते हुए शहीद हुए थे। मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रांची जिला जो है वो भौगोलिक रूप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैदान भी है, प्लेन एरिया भी है और पठार एरिया भी है। इस कारण से इसकी जो सुंदरता है वो काफ़ी रमणीय है और एक टूरिस्ट स्पॉट के टाइप में इसका काफ़ी पोटेंशियल है। आगे चलकर इसको हम लोग विकसित कर सकते हैं। यहाँ के जलप्रपात जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दसम फॉल, जोना फॉल, हुंटू फॉल, ये काफ़ी ज़्यादा रमणीय है और यहाँ के लोकल लोग और आसपास के उड़ीसा और बंगाल के लोग भी आते हैं। नमस्कार, आपके सांसद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सिंह और आज की इस खास कड़ी में हम आपको लेकर के आए हैं झारखंड की राजधानी रांची में। मेरे पीछे बिल्डिंग से आप समझ गए होंगे ये झारखंड की विधानसभा है, बिल्कुल नई बिल्डिंग है और अंदर से काफ़ी शानदार है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं रांची शहर के बारे में। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो इस शहर पे सबका फोकस था। यहाँ से सांसद है संजय सेठ। अगर औपचारिक तौर से मैं मानूँ तो 2019 में एक सांसद के तौर पर संजय सेठ की राजनीति में एंट्री हुई थी। आज हम उनसे भी मिलेंगे, हम जानेंगे कि जलप्रपातों के शहर का उन्होंने कितना विकास किया है, उनके पास क्या योजनाएं हैं और उन्होंने रांची को और कितना सुंदर बनाया है। रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दो जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्रों में फैला है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिले का ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र और रांची जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र रांची, कांके, सिल्ली, खिजड़ी और हटिया शामिल हैं, जिसमें 18 ब्लॉक और 305 पंचायतें हैं। रांची का आधुनिक रूप झारखंड आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है। वैसे देश रांची को पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी MS धोनी के गृह नगर के तौर पर भी जानता है। तो चलिए चलते हैं रांची और पड़ताल करते हैं संसदीय क्षेत्र रांची के विकास और उससे जुड़े मुद्दों की। एक सड़क जो हमारे यहाँ बहुत लाइफलाइन मानी जाती है, वरांतू रोड की सड़क है। पिछले 8-10 वर्षों से यहाँ डिमांड हो रही है कि इस सड़क पे इलिवेटेड रोड का, और जब आप हमसे बात कर रहे हो, आज से एक हफ्ते पहले ही माननीय नितिन गडकरी जी ने बहुत मेहनत की, हम सब बहुत लगे रहे कि अगर इलिवेटेड रोड इस पे, इस रांतू रोड पे बन जाता है, क्योंकि यह रोड जो इलिवेटेड रोड जिस रोड पे बनेगा उस पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ट्रैफिक आता है, महाराष्ट्र का ट्रैफिक आता है, बहुत तेज़ी से आता है। तो वो अब उसका बहुत जल्दी टेंडर होने वाला है और झारखंड को पहला इलिवेटेड रोड रांची को मिलने वाला है। रांची सीट पर अमूमन कांग्रेस और भाजपा का कब्जा रहा है। सुबोध कांत सहाय रांची से पहली बार 1989 में चुनाव जीते थे, उस समय ये जनता दल में थे। 1991 के बाद से रांची में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम है। राम टहल चौधरी 1991 से लगातार 1999 तक जीते, 2004 और 2009 में ये सुबोध कांत सहाय से हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय सेठ को इस संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल हुई। रांची शहर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए एक लोकप्रिय शैक्षणिक गंतव्य है। यहाँ आपको तमाम छात्र माध्यमिक शिक्षा में एनरोल्ड मिल जाएंगे। रांची में कुछ प्रतिष्ठित संस्थान भी हैं, जैसे कि BIT मिश्रा, IIM, NIFFT, NUSRL, CIP, RIMS।
2019 के लोकसभा चुनाव में जब संजय सेठ को जीत मिली थी तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप जनता का विकास कैसे करेंगे। उन्होंने कहा, मेरे पास प्लानिंग तो बहुत लंबी है, लेकिन हाँ, मैं इस बात का वादा करता हूँ कि संसद में मैं बैक बेंचर नहीं रहने वाला। जब भी आते हैं, जो भी समस्या होता है तो रूबरू होकर के काम कर देते हैं। इससे पहले इतना नहीं हुआ था, कभी चेहरा नहीं देखते थे संसद का। आज जा करके हाल में एक डेढ़ महीना हो रहा है, खुद गांव में जा करके इतना समय देते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। संजय सेठ ने 2019 में नामांकन के साथ शपथ पत्र दायर करते वक्त घोषणा की थी कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सक्रिय राजनीति में कभी नहीं आएगा और वो अपने परिवार से कहीं ज्यादा कार्यकर्ताओं को वरीयता देंगे। इन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष अप्रैल में ये अपने पूरे परिवार की संपत्ति घोषित करेंगे ताकि क्षेत्र की जनता का अपने प्रतिनिधि की ईमानदारी और नेकनीयती पर भरोसा बना रहे। जीत के बाद संजय सेठ ने अपने क्षेत्र के लिए कुछ अलग करना चाहा। इसके चलते इन्होंने चुनाव के दौरान खोले गए चुनाव कार्यालयों को चुनाव के बाद भी सक्रिय रखा, जिससे आम जन से संवाद बना रहे। इन चुनाव कार्यालयों को अब समाधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। समाधान केंद्र का उद्देश्य है जनता की समस्याओं का समाधान करना, जो जनता की आम समस्याएं होती है योजना संबंधी ज्यादातर, क्योंकि ज्यादा समस्या तो योजना संबंधी होती है, तो जिनको जिन योजना का लाभ नहीं मिल रहा होता है, जनता को हम लोग उनकी योजना का लाभ दिलवाने का पूरा प्रयास करते हैं और दिलवाते भी हैं। चुनाव में जब ये वादा किया तो एक था कि हमने तो वादा किया है साहब कि हम आपके बीच रहेंगे, हम आएंगे आपके, आपकी कुंडी खटखटाएंगे। तो चुनाव जीतने के बाद तुरंत ही हमने विधानसभाओं में अपने समाधान केंद्र खोले। समाधान केंद्र खोलकर वहाँ प्रॉपर जितनी भी व्यवस्थाएँ खड़ी की कि कोई व्यक्ति अगर गांव टोला से आता है तो उसकी व्यवस्था हो। कोई हमको आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाना है या वृद्धा पेंशन लेना है तो आधार कार्ड लेके आता है बंदा, उसकी हम वहीं पे हमारी व्यवस्था खड़ी की है, वहीं पे हम उसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं, उसका सारा फॉर्म भर देते हैं और जहाँ संबंधित अधिकारी है उसको फॉर्म भेज देते हैं कि भाई आप इसका वृद्धा पेंशन दिलवाओ, इसको विकलांग पेंशन दिलवाओ या जो भी इसकी सुविधा है उसको दिलवाओ। एमपी सर जो है उनका ये लगातार हम लोग के साथ कांस्टेंट टच में रहते हैं और जो खासकर जो क्रिटिकल गैप्स होते हैं, अगर कहीं पर कोई शिकायतें आती हैं, खासकर पीडीएस शॉप को लेकर, प्रधानमंत्री आवास को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर, हमारे एमपी सर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रोल प्ले किए हैं। मोबाइल वैक्सीनेशन के बारे को लेकर एमपी सर काफ़ी सक्रिय रहे हैं और आज ये परिणाम है कि हम लोग रांची ज़िले में 70% से ज़्यादा लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं कोरोना में। यहाँ सांसद समाधान केंद्र में कंप्लेनर द्वारा सांसद और विधायक संबंधी जो भी योजनाएं आती है उसको सांसद विधायक के मुख्य जो कार्यालय हैं उनमें हम लोग उनको फॉरवर्ड करके सांसद विधायक का योजना जो भी होता है उससे हम लोग समस्या का समाधान करते हैं। संजय सेठ रोजाना अपने आवास पर भी जनसभा लगाते हैं, यहाँ काफी भीड़ जुटती है। लोग इस आस में आते हैं कि उनके सांसद उनके कष्ट का निवारण जरूर करेंगे। हमारे एरिया में राशन वितरण का प्रॉब्लम था, उज्ज्वला गैस योजना का दिक्कत था, पेंशन का दिक्कत था, जिस पर हमारे संजय सेठ सांसद ने बैठक की और समाधान केंद्र में बैठक करके और उन समस्याओं का समाधान किया। 28 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर संजय सेठ ने रांची के विकास को द्रुत गति प्रदान करने और जन सुविधाओं के विस्तार जैसे मुद्दे को उनके सामने रखा। खासकर इन्होंने रांची में एम्स खोलने और मोनोरेल परियोजना की बात रखी। झारखंड में हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रांची के रिम्स पर काफी अधिक बर्डन भी है क्योंकि झारखंड के आसपास के राज्यों से भी लोग यहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं। हमने ये सवाल भी संजय सेठ के सामने रखा और उनसे जानना चाहा कि किस तरीके से वो रांची में खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनका जवाब क्या रहा। प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात में संजय सेठ ने रांची में एम्स खोले जाने की जरूरत पर बल दिया था। उसकी मुख्य वजह राजधानी रांची में बड़ी संख्या में पूरे राज्य से मरीजों का इलाज कराने के लिए आना है।
इतना ही नहीं, रांची में पड़ोसी राज्यों के लोग भी उपचार के लिए आते हैं, तो इन सभी लोगों को कम खर्च में बेहतर उपचार उपलब्ध हो सके, इसके लिए यहाँ एम्स खोलने पर जरूर विचार किया जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखते हुए इस दिशा में जल्द पहल करने को कहा था। एम्स रांची में इसलिए जरूरी है कि रांची से रोड कनेक्टिविटी पूरे देश से है, रांची से रेलवे कनेक्टिविटी पूरे देश से है, रांची से एयर कनेक्टिविटी पूरे देश से है। अब रांची राजधानी में छत्तीसगढ़, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश गढ़वा के बाद वहां से बड़ी संख्या में मरीज रांची आ रहे हैं। और फिर झारखंड वासियों को अच्छी खबर मिल गई, जल्द ही झारखंड को एम्स मिलने जा रहा है। देखिए पिछले 2 साल हुए हमारे सांसद को, अभी सांसद जी ने पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ले आया, उसके बाद अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके अभी एम्स का डिमांड था वो भी अभी उन्होंने पूरा किया, और आम जनता का डिमांड था कि एक रिंग रोड का काम हमारे यहाँ 5 साल से अटका हुआ था उसको भी आदरणीय सांसद जी ने मिल करके और अभी उस काम को काफी तेजी गति से पूरा करवा रहे हैं। एम्स के लिए जमीन का बंदोबस्त करना झारखंड सरकार के हिस्से में आया। 28 जुलाई को मिले हैं, मैं मिला हूं उनसे। 8 अगस्त को पीएमओ से झारखंड सरकार को पत्र आ गया। कितने दिन के अंदर? मात्र 10 दिन के अंदर। 28 जुलाई को मिलना है, 8 जुलाई को पत्र पीएमओ से लिखा हुआ पत्र आ गया कि आप एम्स के लिए जगह चिन्हित कर हमको सूचित करें, माने पीएमओ को सूचित करें। तो हमको खुशी हुई, और ये खुशी रांची नहीं पूरे झारखंड के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि ये एम्स इतना बड़ा और सिर्फ 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया। अब फिर हम राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी जगह अलॉट करो। संसद पहुंचने के बाद संजय सेठ कई बार हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का मुद्दा उठा चुके थे। रांची की लाइफलाइन कही जाने वाली HEC पर रांची और आसपास के 50,000 से अधिक परिवारों की निर्भरता है। 60 के दशक में स्थापित ये संस्थान इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है, इस समस्या के निराकरण की उम्मीद जागी है। हमारे आदरणीय कोयला मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी रांची आए थे, हमने उनसे आग्रह किया, मजदूर संघ के लोगों को भी हमने मिलवाया कि बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं कोल इंडिया में जो HEC से बनवा सकता है, तो हमने उनसे आग्रह किया कि भाई कोल इंडिया की बकेट्स HEC बनाता है और जो ऐसी मशीनरी बहुत उनको बहुत करोड़ों अरबों रुपए में मशीनरी चाहिए होती है, अगर HEC को हम ऑर्डर दें या HEC को कोल इंडिया टेक ओवर कर ले तो कोल इंडिया को भी फायदा होगा और HEC का भी रिवाइवल हो जाएगा। रांची में आबादी तेजी से बढ़ रही है, ट्रैफिक जैम की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। वर्तमान में रांची की आबादी करीब 36 लाख है, जनसंख्या के बढ़ने से सड़कों पर भी दबाव बढ़ा है और यातायात प्रबंधन जटिल हो चुका है। ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते थे यहाँ पे, ट्रैफिक सिग्नल लगवाए। आप 11 बजे 12 बजे रात में भी जाओगे ना तो आपको देखोगे कोई बंदा नहीं रहेगा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रहेगा, लोग फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल तो यहाँ पे ओबे होता है यहाँ पे। उसके बाद CCTV कैमराज लगाए ताकि कोई भी ट्रैफिक रूल अगर तोड़ता है तो उसके जज में आ जाए। सांसद महोदय की कोरोना काल में निभाई भूमिका को आम जन बड़ी सहजता से इंगित करता है। लॉकडाउन 24 मार्च से शुरू हुआ और उसके ठीक समझो 20 दिन बाद हम क्षेत्र में निकल गए, और जब कोई जानता नहीं था कुछ, उसको समझाना पड़ता था भाई ये कोरोना है, सैनिटाइजर कोई जानता नहीं था, तो ऐसे 10 लाख किट झोले हमने तैयार किए, नमो सुरक्षा किट, जिसमें 2 बोतल अपने सैनिटाइजर की, 2 मास्क और 2 साबुन देते थे। कोरोना काल में हो चाहे पहला टर्म हो दूसरा टर्म हो, लोगों के जरूरतमंद के लिए चाहे मोदी किट हो, मोदी आहार हो, या लोग जहां पर कोरोना पॉजिटिव है और खाने के लिए लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था तो मोदी आहार के माध्यम से लोगों को या जहां भी कहें वो उपलब्ध रहते हैं और जब भी कहें लोगों के बीच में रहते हैं। संजय सेठ की एक और पहल से स्थानीय जनता को लाभ पहुंचा है।
वो है राजधानी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का लोहारदगा टोरी रेल मार्ग से परिचालन, जिसकी शुरुआत 11 नवंबर 2021 से हुई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस रेलखंड का शिलान्यास किया था और आज बरसों बाद संजय सेठ के प्रयासों से ये लंबित कार्य पूरा हुआ है। लाखों लोगों की तमन्ना थी पिछले 20 सालों से कि हम शॉर्टेस्ट रूट से दिल्ली पहुंचे, तो आपको खुशखबरी है कि यह ट्रेन चलनी शुरू हो गई पिछले 4 दिन पहले से। अब 110 किलोमीटर शॉर्ट हो गया है दिल्ली, 2 घंटे से ज़्यादा हमको बचत हो गई है। तो एक बड़ी सुविधा रांची की जनता को ये मिल गई कि एक अच्छी ट्रेन शॉर्टेस्ट रूट पे चल रही है। वैसे तो समस्याएं कई हैं, पर लोगों को उम्मीद है कि सांसद महोदय धीरे धीरे उनका भी निवारण ढूंढ लेंगे। हम लोग सांसद महोदय से चाहेंगे कि जो आयुष्मान कार्ड जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी योजना है, इसमें जो बीपीएल परिवार जुड़ा हुआ है उसके साथ में हम लोग चाहते हैं कि सांसद जी इस बात को वहाँ रखें कि एपीएल परिवार भी इसमें जुड़े। जिनके रहने के लिए आवास नहीं है और वह किसी के भरोसे आज तक जी रहे हैं, उनके लिए हमने रिकमेंड किया है प्रखंड पदाधिकारी से, लेकिन आज तक वहाँ कोई भी आवास की लाभ नहीं मिला है। सांसद महोदय से हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे ग्रामीणों का समस्या है, रोड, नाली, बिजली, आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सबका अभी क्षेत्र में बहुत तरह के समस्या हो रही है, तो हमारे सांसद महोदय तरफ से हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि ये सब हमारी समस्या दूर जल्द से जल्द करे। आंकड़ों के मुताबिक झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था पर हर बरस 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च करती है, लेकिन अभी भी काफी बदलाव और प्रगति की गुंजाइश है, खासकर गांव में जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा किताबों से दूर है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है तो प्राइवेट स्कूलों में अधिकांश परिवार अपने बच्चों को भेजने में सक्षम नहीं है। आज भी गाँव का स्कूल में बच्चा ढंग से सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं पाता है, टीचर पढ़ा नहीं पाता है, गांव में अस्पताल नहीं है, जिसके कारण गरीब लोग बड़े बड़े अस्पताल में जा नहीं पाते हैं। ये सब समस्या तो है, इसको भी सरकार को या संसद को ध्यान देना होगा, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, गांव घर में शिक्षा के लिए आपने कोई शिक्षा प्लानिंग है? हाँ, शिक्षा की प्लानिंग है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी हमने बैठक की थी, हमारी शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी आई थी, उनके साथ, उनके अधिकारियों के साथ बैठक कर कुछ कमियां हैं जो स्टेट को करनी है, स्टेट से भी हमने आग्रह किया है, यहाँ के अधिकारियों को बुलाया था और बहुत जल्दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत बड़े रूप में लगभग 2000 स्टूडेंट्स पे शिक्षा लेंगे। संजय सेठ ने माना कि शहर से लेकर गांव तक लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस कारण चाह कर भी वो अपनी पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें नहीं खरीद पाते। इसका समाधान भी मिला, संजय सेठ ने रांची वासियों को बुक बैंक दिया। दरअसल उन्होंने लोगों को किताबें दान करने की अपील की ताकि जरूरतमंदों को फायदा मिल सके। सांसद महोदय अब तक 68,000 से अधिक किताबें बांट चुके हैं। किताब खरीदने में असमर्थ था क्योंकि पीजी की किताबें अक्सर महंगी आती है, तो मैंने बुक बैंक का लाभ उठाया और मैंने वहाँ से कई किताबें ली हैं, मेरे कई दोस्तों ने भी वहाँ से कई किताबें ली हैं। 17वीं लोकसभा में संजय सेठ 30 डिबेट में हिस्सा ले चुके हैं। प्रश्नकाल के दौरान इन्होंने जनता से जुड़े 65 सवालों को सदन में उठाया है। संसद में इनकी उपस्थिति 84% है। मेरे संसदीय क्षेत्र रांची के बगल में जमशेदपुर में आज से 35 साल पहले स्वर्णरेखा पद्योषी परियोजना झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तहत एक चांडिल डैम का निर्माण हुआ था, लेकिन अफसोस इस बात की है कि 14,000 परिवार विस्थापित हुए लेकिन सिर्फ 1,150 लोगों को ही नौकरी मिली और 2,000 लोगों का सर्वे भी नहीं हुआ। हर इंसान की तरह राजनीति से अलग संजय सेठ का व्यक्तिगत जीवन भी है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की छवि झलकती है, जिनका जीवन और विचार इन्हें प्रेरित करता है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, इसके कणकण में महादेव समाए हैं। हम सबके आदरणीय रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। हमको याद है कि अटल जी जब यहाँ से दूर दूर भी आते थे, पटना भी आते थे, तो अटल जी आ रहे हैं, तो अटल जी को सुनने हम सब पटना जाया करते थे। 80 के दशक में जब अटल जी रांची आते थे तो संजय सेठ उनसे मिलने की कोशिश जरूर करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी सांसद महोदय का पुराना नाता है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी,
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल जी सरीखे करिश्माई व्यक्तित्व से इन्होंने काफी कुछ सीखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जब उन्होंने हमको बुलाया वहाँ पर, हम गए मिलने उनसे, तो हम जब उनसे मिल रहे थे चर्चा हुई कुछ, तो उन्होंने कहा कि आप इतने लंबे समय काल से पार्टी की सेवा कर रहे हो, क्या इच्छा है पार्टी में? हमने कहा सर देखो मेरे तो एक इच्छा थी वो पूरी हो गई। किस इच्छा थी? इच्छा थी कि आकाशवाणी से दूरदर्शन से यह हम सुने कि देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा, मेरी इच्छा थी, वो इच्छा पूरी हो गई। हमने कहा सर एक और मेरी इच्छा है, तो उन्होंने कहा बोलो। हमने कहा तो दूरदर्शन से सुनना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा आप जैसे अगर मित्र होंगे तो वो भी संभव। संजय सेठ की दिनचर्या भी सादगी से भरी हुई है। सार्वजनिक जीवन के दबाव के चलते ये अपनी सेहत को लेकर बेहद सजग हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर बेहद गंभीर। इनकी पत्नी बताती है कि कैसे संजय सेठ परिवार और सार्वजनिक जीवन को साथ लेकर चले। राजनीति में तो कुछ समय से आए हैं, पहले तो नहीं, मैं जब से आई हूँ तो मेरे ख्याल से ये तब से ही राजनीति में है। मतलब राजनीति कम कहिए, समाज सेवा कहिए। हम लोगों घर में पता नहीं होता था, लेकिन ये बाहर हमेशा बाहर वालों से पता चलता था आके कि ये यहाँ ये करके आ गए, वहाँ वो करके आ गए। घर में तो वो शायद बहुत कम बात करते थे। संजय सेठ निजी तौर पर एक छोटे से परिवार के मुखिया हैं। इनके बेटे ऐश्वर्य इनके काफी करीब हैं, पर कुछ बातों पर पिता से नाराज भी हैं। वो बहुत मेहनती हैं, उनका जो दिनचर्या जब मैं देखता हूँ तो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ है। सुबह जल्दी उठते हैं और योगा करने के बाद यहाँ बाहर घर के बाहर जनता दरबार लगता है, वहाँ लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, उनका हालचाल लेना, और फिर ब्रेकफास्ट करके जो वो क्षेत्र में निकलते हैं वो फिर एक पैशन के साथ बिना टाइम देखे काम करते हैं। बहुत बार ये हुआ है हमारी घर में, ये हमेशा लड़ाई नहीं बोलूँगा बट ये हो जाता है कि आप लंच क्यों मिस करते हैं। कहते हैं वक्त कितना भी बीत जाए पर ख्वाहिशें बाकी रहती हैं। भाग दौड़ से भरी जिंदगी में संजय अपने लिए कुछ पल निकाल ही लेते हैं और पुराने गानों के दौर में रम जाते हैं। रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ, सार्वजनिक जीवन, जनहित से जुड़ी राजनीति और एक आदर्श सांसद का पर्याय है जो सच्ची नियत से जनसेवा और उससे जुड़ी चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं। रांची एक बहुत सुंदर शहर है। आज भी कहा जाता है कि मौसम चाहे जो भी हो लेकिन यहाँ पर एक चादर की ठंड हमेशा रहती है, पर कुछ पहलुओं पर अगर काम कर लिया जाए तो रांची और अधिक सुंदर हो सकती है। हालांकि यहाँ के सांसद संजय सेठ ने हमसे वादा किया है और ये भी कहा है कि आने वाले कुछ सालों में आपको रांची और बदलती भी नजर आएगी। आज के लिए आपके सांसद में इतना ही। अगली बार किसी और लोकसभा क्षेत्र में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।